यह है राजा और यह है रानी। दोनों ने मिलकर एक बहुत खूबसूरत घोंसला बनाया। कुछ समय बाद रानी ने मोतियों जैसे दिखने वाले 5 अंडे दिए। इन अंडों के रंग को देखकर ऐसा लगता मानो जैसे आसमान खुद इनमें रंग भरने आया हो, बिल्कुल आसमानी। अब हम सभी का इंतजार था इन अंडों में से बच्चों के बाहर निकलने का। आखिरकार वो सुबह आई गई जब इन अंडों में से प्यारे से बच्चे निकले। वो कहते हैं ना कि टूटना हमेशा खराब नहीं होता, कभी कभी टूटने से जिंदगी की नई शुरुआत भी होती है। इन 5 बच्चों को देखकर बिल्कुल ऐसा ही लगता। 5 बच्चे भूखे रहते। राजा और रानी इनके लिए हजारों दफा उड़ उड़ कर खाना लाया करते, मगर इनकी भूख कभी मिटने का नाम ही नहीं लेती। कभी एक मुंह खोलता तो कभी दो, कभी तीनों मुंह खोल देते तो कभी 4, कभी 5 मुंह खोलते। राजा और रानी हमेशा सोचते रहते कि आखिर में खाना पहले किसे दिया जाए। इसी दौरान हमने एक दौर ऐसा भी देखा जब हमने अपने कुछ साथियों को खो दिया, मगर जिंदगी हमेशा अपनी रफ्तार से चलती रहती है। जिंदगी हमेशा आगे बढ़ने का ही सोचती है और इस तरह जिंदगी इन पंचों के साथ आगे बढ़ गई। अब हमारे 5 साथियों में से ये 3 साथी बचे। तीनों साथी बिल्कुल स्वस्थ, अपनी मौज और मस्ती में रहने वाले और इंतजार करते रहते अपने माँ और पिता का खाना लाने का। जिस तरफ से इनके माँ और पिता खाना लाते हैं, ये हमेशा उसी तरफ देखते रहते। अब इन पंछियों की उम्र लगभग 15 से 17 दिन की हो चुकी है। इन पंछियों के बहुत ही प्यारे प्यारे से पंख भी निकला है। चांद भी इनको देखने के लिए अपने पूरे शबाब पर है। धीरे धीरे ये पंछी अपने पंख फड़फड़ाने लगे। ये हमें देखकर कभी कभी बिल्कुल चुपचाप हो जाते, कभी कभी हम पर गुर्राते भी और कभी कभी सहम जाते और हमेशा इंतजार करते रहते राजा और रानी के आने का। आखिरकार अब ये आसमान की अनंत ऊंचाइयों की तरफ देखने लगे। ये चाहते थे कि अब जल्द से जल्द इस घोंसले से निकला जाए। कभी कभी सब ये रगड़ते झगड़ते, कभी कभी तीनों इकट्ठे रहते। इसी दौरान हम बारिशों में साथ में भीगे भी। आखिरकार धीरे धीरे वो लम्हा आने लगा जब ये अपने घोंसले को छोड़कर आकाश की अनंत ऊंचाइयों में चले जाएंगे। राजा और रानी पहले एक वाली कर गए, फिर दूसरे को, आखिर में तीसरे को भी, और हमारे पास बची सिर्फ और सिर्फ इनकी प्यारी सी यादें। यह है राजा और यह है रानी।